एक विद्वान अन्य मनुष्यों से कह रहा है, हे मनुष्यों, तुम लोग शरीर के जलाने में दिग्भ्य स्वाहा, दिशाओं में हुत द्रव्य के पहुंचाने को सत्य क्रिया करो। अर्थात जब व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो मृत शरीर को अग्नि के द्वारा दाह करना ही सबसे उत्तम है, क्योंकि मृत शरीर से जो दुर्गंध और रोग उत्पन्न होते हैं उनका निवारण करने का इससे उत्तम और कोई उपाय नहीं है कि उसको अग्नि में जलाकर नष्ट कर दिया जाए, समाप्त कर दिया जाए। इसलिए उसको अग्नि में जलाकर और उसके साथ साथ कुछ ऐसी वस्तुएं भी जलाई जाएं शरीर के साथ साथ, जो उस दुर्गंध का नाश करें, रोगों का नाश करें, सुगंध फैलाएं, जिससे कि प्रदूषण का निवारण हो और उस सब दिशाओं में वो फैल जाए, ताकि किसी को कष्ट ना हो, हानि ना हो, रोग ना हो, दुख ना हो। इसलिए शरीर को जलाना और हुत द्रव्य को सब दिशाओं में पहुंचाना, ये सत्य क्रिया हमको करनी चाहिए। फिर कहा, चंद्राय स्वाहा, चंद्रलोक की प्राप्ति के लिए सत्य क्रिया करनी चाहिए। ये वैदिक शास्त्रों में, आर्ष ग्रंथों में चंद्रलोक गमन की बहुत चर्चा आती है। तो चंद्रलोक का अर्थ समझना चाहिए सुख देने वाला लोक। चदि आह्लादे एक धातु है जिससे ये चंद्र शब्द बनता है, चंद्रमा शब्द बनता है। तो आह्लाद मतलब प्रसन्नता, सुख, शांति, आनंद। चंद्रलोक का अर्थ ये भी है, जो चंद्रमा देखता है हमको रात्रि में वो भी चंद्रमा है, चंद्रलोक है। पर बहुत स्थानों पर जो चंद्रलोक की प्राप्ति की चर्चा आती है कर्मफल के विषय में, उसका अर्थ सुखयुक्त लोक ऐसा लगाना चाहिए। अर्थात हम अच्छे काम करें जिससे हमको सुखयुक्त योनियों की प्राप्ति हो, जिसमें हमको सुख मिलता है, ऐसी योनि की प्राप्ति हो, वही चंद्रलोक है। तो सत्यलोक, चंद्रलोक की प्राप्ति के लिए हमको सत्याचरण करना पड़ेगा, तभी सुखयुक्त स्थान मिलेगा, सुखयुक्त जन्म मिलेगा जहाँ हमें सुख मिल सके। इसलिए सत्याचरण करना चाहिए। अद्भ्या, जलों में चलने के लिए सत्य क्रिया स्वाहा। तो जल में गति करने के लिए भी हमें सत्याचरण करना चाहिए, अच्छे अच्छे काम करने चाहिए, जिससे कि हमें भूमि पर, जल में, वायु में, कहीं भी आने जाने में बाधा ना हो, कहीं रुकावट ना हो। भाव है कि हमारे कर्म अच्छे हों जिससे कि हमको कहीं भी दुख ना भोगना पड़े, कोई बाधा नहीं आए, कोई कष्ट नहीं आए। वरुण आय, वरुण जल को कहते हैं। समुद्र आदि में जाने के लिए स्वाहा, सत्य क्रिया। तो समुद्र आदि में जाने के लिए भी हमको जलपोत आदि बनाने चाहिए, समुद्री जहाज, नौकाएं, जो अच्छी तेजी से हमको समुद्र में यात्रा करा दें। इस प्रकार से हम ऐसे ऐसे आचरण करें, ऐसी ऐसी वस्तुएं बनाएं, ऐसे ऐसे साधन बनाएं, जिससे कि हमारी यात्रा ठीक रहे। नाभि स्वाहा, नाभि के जलने के लिए भी सत्य क्रिया। अर्थात शरीर के जो नाभि आदि अंग हैं वो भी ठीक तरह से जलें, उनका पूरा दहन हो। इस प्रकार से हमको अग्नि संस्कार करना चाहिए, उसको काफ़ी देर तक अच्छी तरह से शव को जलाना चाहिए, खूब संविधाएँ रखनी चाहिए और घी सामग्री आदि औषधियाँ, वनस्पतियाँ, खूब सुगंधित पदार्थ खूब डालने चाहिए, जिससे कि वो शव पूरा जले और देर तक जले और दुर्गंध आदि का नाश हो, रोगों का विनाश हो। फिर अंत में कहा, पूताय स्वाहा, पवित्र करने के लिए
स्वाहा सत्य क्रिया को सम्यक प्रयुक्त करो। तो संसार की शुद्धि के लिए, जलवायु की शुद्धि के लिए शव को अच्छी तरह से जलाएं और उसको पवित्र करें, वायुमंडल को, जलों को, औषधियों को, वनस्पतियों को, सब चीजों को शुद्ध रखें, पवित्र बनाएं। तो ये काम अग्नि के द्वारा हो सकता है। सबसे अच्छा तरीका है अग्नि में जलाना। कुछ लोग शव को भूमि में गाड़ देते हैं, वो भी उतना अच्छा तरीका नहीं है। कुछ लोग नदी में बहा देते हैं, वो भी उतना अच्छा नहीं है। कुछ लोग ऐसे खुला जंगल में छोड़ देते हैं, पशु पक्षी आदि खा जाएं, वो भी ज़्यादा अच्छा नहीं है। सबसे अच्छा यही तरीका है कि उसको अग्नि में जलाना चाहिए। उससे एक तो शरीर के जो अवयव हैं वो पंच महाभूत से बने थे, अग्नि में जलाने पर वो सारे अपने अपने भूतों में विलीन हो जाते हैं। जलीय अंश जल में चला जाएगा, वायु का अंश वायु में चला जाएगा, पृथ्वी का अंश पृथ्वी में चला जाएगा। इस प्रकार से सभी पंच महाभूत से जो शरीर बना था वो सारे अवयव उसके अपने अपने मूल द्रव्य में वापस चले जाएंगे और उससे रोग आदि की उत्पत्ति भी नहीं होगी और शरीर का भी एक अच्छे ढंग से निपटारा हो जाएगा। जल में नदी में डालते हैं तो जल का प्रदूषण होता है, भूमि में गाड़ते हैं भूमि दूषित होती है, जंगल में छोड़ देते हैं पशु पक्षी खाते हैं तो वो भी हमें उतना अच्छा नहीं लगता कि जिन लोगों के साथ हमारा वर्षों तक संबंध रहा हो, माता पिता बड़े बुजुर्ग आदि जिनके साथ वर्षों तक हम रहे और उनके साथ उठना बैठना प्रेम भाव रहा, तो उनके शरीर को कोई कुत्ते शेर भेड़िया आदि खा जाएं तो वो भावनात्मक दृष्टि से भी उतना अच्छा नहीं लगता, इसलिए वो विधि भी ठीक नहीं है। अग्नि संस्कार विधि सबसे उत्तम है, इसलिए ईश्वर ने ऐसा वेदों में बताया कि शव का अंत में अग्नि संस्कार करना चाहिए। तो इस प्रकार से सब मनुष्य अपना अभ्यास करें, अपना आचरण बनाएं, शव का अग्नि संस्कार करें तो ये उत्तम रीति से उस शव का समापन हो जाता है। तो ऐसी बात एक विद्वान के द्वारा इस मंत्र में लोगों को बताई।